बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीखते जाओ की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको YouTube एप्लीकेशन की सेटिंग के बारे में बताएंगे। YouTube की जो एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल होती है, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं और वीडियो को प्ले करने के बाद उसे स्ट्रीम करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए जब आप स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल्स डिस्प्ले हो जाते हैं और कोने पे एक क्रॉस का आइकन आ जाता है, और जब तक आप उसे क्रॉस नहीं करते तब तक स्क्रीन से कंट्रोल्स गायब नहीं होते, जो कि बड़ा अनोइंग होता है क्योंकि बार बार आप स्क्रीन पे क्लिक करते हैं वीडियो को आगे पीछे करने के लिए और हर दफ़ा आपको क्रॉस पे क्लिक करना पड़ता है ताकि कंट्रोल्स गायब हो जाएँ। जैसे मैं आपको ये एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप ये वीडियो, देखिए अब ये वीडियो शुरू हुई है और इस वीडियो में देखें कि स्क्रीन के ऊपर सारे कंट्रोल्स डिस्प्ले हो गए हैं, कोने के ऊपर एक क्रॉस का आइकन भी नजर आ रहा है। जब मैं इसे क्रॉस करता हूं तो कंट्रोल गायब होते हैं, और जब भी मैं इसे प्ले करता हूं और इसे आगे पीछे करता हूं जब तक मैं क्रॉस आइकन पे क्लिक नहीं करता कंट्रोल्स गायब नहीं होते, तो ये बड़ा अनोइंग है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस सेटिंग को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस मसले को हल करने के लिए आपने करना इस तरह है कि आप YouTube एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करेंगे। सेटिंग चेंज करने के लिए आपने जब YouTube एप्लीकेशन ओपन की हो इसके होम टैब पर क्लिक करें और आपको होम पेज पर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ से देखें एक्सेसिबिलिटी प्लेयर जो है इसका रेडियो बटन ऑन हुआ है। इसका मतलब यह है कि डिस्प्ले एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स इन द प्लेयर, कि जब वीडियो प्ले हो रही हो तो कंट्रोल्स आपकी वीडियो के ऊपर नजर आए। इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ तो अब जाके देखते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। देखिए ये वीडियो प्ले करके देखते हैं। अब देखिए अब हमारी वीडियो प्ले होने के बाद इससे वो कंट्रोल्स नजर नहीं आ रहे। अब मैं वीडियो को आगे स्लाइड करके देखता हूँ तो देखिए कंट्रोल्स चंद सेकंड के बाद खुद ब खुद गायब हो गए हैं। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट इस हिसाब से सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ। दूसरी सेटिंग ये है कि आप दोबारा सेटिंग्स में जाएं, एक्सेसिबिलिटी में जाके देखें, तो अगर तो आपने ये कंट्रोल्स इनेबल करने हैं फिर भी आप यहाँ से हाइट प्लेयर कंट्रोल्स में जाके सेटिंग कर सकते हैं कि जब भी आप वीडियो को आगे पीछे करें तो कितनी देर के बाद कंट्रोल्स खुद ब खुद गायब हो जाएं। अभी यहाँ से मैं इसको 3 सेकंड पे सिलेक्ट करता हूँ और वापस जाके एक वीडियो प्ले करके देखते हैं। अब देखिए एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स नजर तो आ रहे हैं लेकिन ये 3 सेकंड के बाद क्रॉस पे क्लिक किए बगैर गायब हो जाएंगे। देखिए ये दो सेटिंग्स आप कर सकते हैं। YouTube एप्लीकेशन के अंदर एक और बड़ी अच्छी सेटिंग है, वो ये है कि आप जब स्क्रीन पे डबल टैप करें तो वीडियो कुछ सेकंड आगे चली जाए या कुछ सेकंड वापस आ जाए। तो ये सेटिंग करना मैं आपको बताता हूँ। आप अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें और सेटिंग्स में जाएं और यहाँ आप जनरल में जाएंगे। इसमें आप देखें कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डबल टैप टू सीक। डबल टैप टू सीक पे क्लिक करें तो आपके पास एक पूरी लिस्ट आ रही है कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, जब आप डबल टैप करें तो वीडियो कितने सेकंड आगे या पीछे जाए। तो अगर आप 60 सेकंड करेंगे और फिर जब जाके वीडियो प्ले करेंगे उस पर डबल टैप करेंगे तो या वो 60 सेकंड आगे जाएगी या आप उसको 1 मिनट पीछे ला सकते हैं। इसी तरह ये सारी सेटिंग हैं। तो मैं यहाँ पे 30 सेकेंड मैंने सिलेक्ट की है और 30 सेकंड को सिलेक्ट करने के बाद अब हम वापस जाके देखते हैं एक वीडियो प्ले करके। तो इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका है, ये वीडियो मैंने प्ले की है और ये देखिए अब वीडियो को आगे या पीछे मूव करने का तरीका कार क्या है कि दरमियान में आप टैप नहीं करेंगे, दरमियान में डबल टैप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये दरमियान वाले 3 कंट्रोल आपको नजर आ रहे हैं इसके दोनों साइडों पर कहीं आप करेंगे तो देखिए राइट साइड पे हम डबल टैप करेंगे तो वीडियो 30 सेकंड आगे जाएगी और लेफ्ट साइड पे डबल टैप करेंगे तो 30 सेकंड पीछे जाएगी। यहाँ देखिएगा ये देखें और इस तरफ करता हूँ तो 30 सेकंड पीछे चलेगी। ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं वीडियोस यूट्यूब ऐप में देखते हुए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जी वीडियोज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।